साथियों मजदूर बाणी आपका अपना चैनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मजदूर बाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हाँ। साथियों मेरे नाल जो वीर बैठे ने इन्हों का नाम जोगिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी फिरोजाबाद के रहने वाले ने। इधरले पासे जो वीर बैठे ने इन्हों का नाम परमजीत पुत्र हरविंदर सिंह निवासी जीवन नगर थेड़ी। इन्हों दोनों वीर जेडे है मोटरसाइकिल रिकवरी एजेंटा ने चक ले ने। उन्हों का कहना इन्होंने किस्तां नहीं भरिया, कानून की कहता है वो बारे भी गलबात वीडियो के एंड दे विच करांगे। पहला इन्हों तो जानते हैं कि पूरा मामला है कि हाँ जी बाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की होया पूरा मामला? मामला जी इस तरह है जी कि मेरे को चोट लगन कारण जी रीढ़ की हड्डी से 5-7 किस्तां नहीं भरिया गई मेरे को जी। तो तड़के एजेंट आए 6:30 जी, मैंने ना कोई फोन नहीं किया ना मैंने कोई ना मैसेज किया भी जोगिंदर सिंह जी तुम किस्तां भरो किस्तां डू इन है। मैंने ना कोई समाचार लाया 6:30 आ के जबरदस्ती मेरा मोटरसाइकिल चक्कर लै गए जी। उस तो बाद मैंने एक गल कही वीर जी साथी भी मेरे मौके से पेमेंट पई है लै जाओ, एक हफ्ते का मैं टाइम दो जी तुम्हें मैं पेमेंट जो बाकी भी वो भी कर दाँगा जी। कहे नहीं जी अच्छा मोटरसाइकिल लैके जावे उत्थे आ जाओ उत्थे बैठ के गल करा जी। ऐसा धक्या जबरदस्ती मेरा मोटरसाइकिल खोकर लै गए जी, मेरे ना गाली गलौज की धक्का शाही भी की, गाली गलौज भी मेरे ना की जी, बकवास भी मैंने बोल के गए जी, उन्हें मेरी एक भी नहीं सुनी जी। वैसे बकाया किन्नी है अज तक तुहाडे? बकाया है जी 19,600 रुपये 7 किस्तां जी। ते मोटरसाइकिल किन्ने दा तुहाडा? मोटरसाइकिल जी मेरा इस टाइम है जी 85,000 दा जी। ठीक है, ते नवा किन्ने दा उहदे नाल दा? नवा इस टाइम जी कैश 85 दा है जी, फैंस करावांगे तो 1,00,000 तो उत्ते ही पै जाना जी, मैनू भी 85 जी पिया जी फैंस कराया जी। ठीक है, अगे भी इन्होंने मैं किस्तां दे रहा सी जी, मेरे को लेंदे सी कि 4 किस्तां इकट्ठे लै गए 6 लै गए जी। इन्हें देखा हुण की होया भी मोटरसाइकिल बहुत महंगा हो चुका है भी क्यों ना जोगिंदर सिंह का मोटरसाइकिल आप कैश कर लीए चक के लाइए पेपर उन्होंने फैंस पा के 85 पैंता पै हूँ तो 85 का कैश होया पाया जो उन्हें देखिए अपना फायदा हो जाएगा। इस करके वो मजदूर को दबाया जाए कि मैंने दबाने की कोशिश कर रहे जी कि मेरे चोट लगन करके इस तरह नहीं भर पाया जी। इस करके मैं धक्काशाही बहुत हो रही जी, मेरे सरकार अगर हाथ जोड़ के अपील ही करता कि मेरी मदद की जाए, गरीब बंदा है जी मैं। तो थाने दरखास्त दी सी उत्थे की होया? थाने दरखास्त दी सी जी 5-6 नाल बंदे लेके आए जी, उत्थे भी साढ़े नाल मान लो जी उन्होंने को मैं ही कहा जी चलो ठीक है जी मैं जो लोन अकाउंट नंबर मेरा दो जी जिनी मेरी राशि बनती जी मैं लादे लोन अकाउंट भर दाँगा जी। उन्हें बिल्कुल इंसाफ इनकार करता भी असी लोन अकाउंट नंबर नहीं देना जो साढ़े तुम करना कर सकते जी। अभी 2 दिन पहले उस SP को गया जी सरसा जी तहसील जी, उन्हें कहा जी तुम्हें दरखास्त ऑनलाइन कर दो जी थोड़ी सुनवाई हो जाएगी जी। ठीक है, असी अज दरखास्त ऑनलाइन की है जी, अज साड़ी सुनवाई करनगे जी। तो की मांग करते हो प्रशासन तो सरकार तो? प्रशासन तो यही मांग करते हैं जी साढ़े गरीबों की सहायता की जाए जी, सानू साढ़े बाइक दिलाए जाए जी। तुम पैसे भरने तैयार? हाँ जी पैसे भरने तैयार है जी, साढ़ा लोन अकाउंट नंबर देव जी असी पैसे जो सारा लोन अकाउंट मिल गया जी असं सारी कैश भर देंगे जिनी साड़ी पेंडिंग है जी किस्त साते जी असं भरने तैयार हैं जी। तो नाले तुम कह रहे थे भी वो कहें भी सारिया भरो हूँ जिन्हें जो गांह वाली बकाया भी रिंदियां भी भरो? वो तो बहुत कुछ कहें जी सारिया भरो हूँ सारिया कितों भरा जी, गरीब बंदा जी मैं मसा जी जोड़ जमा कर रखे थे 7-8,000 रुपये करे जी दिता मौके से उन्होंने नहीं भी लै वो मैं आदि गुड़िया की फीस भरनी सी मैं चल कोई नहीं मोटरसाइकिल छड़ जाओ तुम या पैसे लै जाओ तो नहीं उन्हें सुनाई की जी। फिर की हो जी मैं इधर चल मोटरसाइकिल लै गए जी वो जे मेरे को जी पैसे 7,000 रुपये आदि मैं गुड़िया की फीस भरती जी। तो साढ़े नाल दूसरे वीर ने इन्हों भी गलबात करते हैं इन्हों का की कहना? हाँ जी भाई जी थोड़े नाल की होया? सर जी अज तो हफ्ते पहला मेरे को कुछ मुंडे आए है जी और जबरदस्ती मोटरसाइकिल लै गए जी, उन्हों का कहना है कि ताडे बकाया राशि हैगा वो तुम भरो जी। बकाया राशि असं पूछे भी किन्नी है जी, बकाया राशि उन्होंने कहा 23,000 कुछ है जी। उन्होंने पूछा कि 23,000 कुछ भरोगे कि नहीं भरोगे, असं आख्या जी असं पहला भर चुके हैं जी, यही साढ़े ना बंदे होने आए थे इस तरह के बंदे पहला भी आए थे जो रिकवरी एजेंट के नाम तो आए थे, उन्होंने पहला भी साढ़े को मोटरसाइकिल इस तरह ही ले गए थे। उन्होंने कहा कि तुम जे 20,000 या 22,000 जिन्ना भी बकाया भरोगे तो तुम मोटरसाइकिल देवे जी। ठीक है जी, उस तो बाद जी असं कुछ इंतजाम किए उन्होंने पेमेंट पूरी की जी, असं 19,000 रुपया उन्होंने दिता से जी जी, जो साडा बकाया बैलेंस बनता से वो बिल्कुल खत्म हो जाता से जी जी, वो साढ़े को ऑफलाइन साढ़े को लेके गए जी पैसे, वो पैसे उन्होंने अगे भरे या नहीं भरे इस गल का उन्होंने पता है जी। साढ़े को फिर मोटरसाइकिल आ हफ्ते पहला लैके चले गए ने जो कि इस करके लै गए है क्योंकि असी पैसे नहीं भरे, उन्होंने साढ़े कहने के बावजूद भी असी पैसे भर चुके हैं, उन्होंने साड़ी एक गल भी सुनी जी। कितों खो के लै गए मोटरसाइकिल? साढ़े को मोटरसाइकिल सरसे हो तारा बाबा की कुटिया को खो के लै गए, मेरे पिता जी गए इसी काम से जी, काम तो बाय रोड उन्होंने को आँदे हुए मोटरसाइकिल उन्होंने खोया जी। उन्होंने कोई तुम कोई कागज पत्र कोई फार्म कोई भर के दिता सबूत दिता भी अभी मोटरसाइकिल लै चले? नहीं जी, यहोजा ना सानू पहला कोई नोटिस दिता कि असी खोन आवेंगे ते ना ही जो खोया उदों कोई कागज़ दिता है भी तुहानू असी फलानी जगह तो आए हैं या कंपनी वालों आए हैं असी मोटरसाइकिल लेके चले हैं, कुछ नहीं किया जी। तुहानू कोई कागज़ पत्र दिता सी उन्होंने? नहीं जी बिल्कुल जी सानू कुछ नहीं दे गया जी, बस मोटरसाइकिल खो के लै गए जी। ना जी उन्हें मतलब मैंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जी, ना उन्हें पुलिस प्रशासन की मदद ली,
बिना मन फोन आए बिना किसी कानून तो बेकानून तो लै गए जी मेरा मोटरसाइकिल चक्के जी। तो साथियों हुण मैं तुहानू कानून का जो भी प्रावधान उहदे बारे दसूंगा कौन सही है कौन गलत है। मैं भी कुछ हद तक फैसला करन दे विच सक्षम नहीं हाँ पर तुहानू मैं जरूर दसना चाहुंदा ते तुहाडे ध्यान च लिआउण दा मेरा मकसद इही है तां जो इहनां नाल होइआ तुहाडे नाल ना होवे। हुण की चल रिहा है जदों भी तुसीं कोई बाइक जां कार जां फाइनेंस करवाउंदे हो ते उहदी जिहड़ी फाइल दी कॉपी है अपने वकील नूं जां अपने किसी भी पढ़े लिखे नूं पढ़ा के फिर उह फाइल साइन कर रहे हैं क्योंकि तुहाडे कोल बहुत सारे ऐसे कागजां ते साइन इह करवा लेंदे ने पहले ही एडवांस दे विच जिन्हां दा बाद दे विच इह लोक जिहड़े आ दुरउपयोग करदे ने तुहानू कमजोर कर देंदे ने। सुवीर दे घरे 6 बजे इहनां दा कहना भी 6 बजे पहुँच गए है मोटरसाइकिल चक्कण जदकि RBI ने इहनां सख्त गाइडलाइन हदायतां दित्तियां होईआं भी तुसीं भाई 8 बजे तो पहलां तुसीं फोन नहीं कर सकते किसी नूं भी पैसे मंगण लई। हुण दोनों पासे पेच जिहड़ा फसिया होइआ इस भाई की कहानी तुहानू मैं दसदा। 1 साल पहला इस भाई का मोटरसाइकिल राणिया दे विच कुछ लोगों ने रोकिया सी उन्होंने नाम अजे असीं तुहानू नहीं दसांगे मजबूरी है क्योंकि जो परचा दर्ज होएगा जो अगली कार्रवाई हो जाएगी राजीनामा नहीं हुंदा फिर तुहानू उन्होंने नाम भी उजागर करांगे। 1 साल पहला इहदा मोटरसाइकिल फड़िया इन्हां नूं कहा गया भी कल 11 बजे तक तुसीं 23,000 रुपये का इंतजाम कर लो 23,000 रुपया तुहाडा सारा बनता वह भर दिओ तो तुहानू असीं मोटरसाइकिल बाहर दी बाहर दे देंगे अगे असीं एजेंसी च नहीं भेजते। अगले दिन की होया यह लगभग 10 बजे 23,000 रुपये का इंतजाम करके मेरे कोल आए मैनू इन्होंने कहा भी प्रधान जी एवं साडा मोटरसाइकिल चक्या गया साडी हैल्प करो तो साडा मोटरसाइकिल दवाओ असी पैसे भर लई तैयार हाँ। चलो जी मैं उन्होंने रिकवरी एजेंटा नाल गल की जिन्हों मैं निजी तौर पर जानता भी सी उन्होंने गल कर तो बाद उन्होंने दफ्तर के ऐसे दफ्तर के अपने बुलाया उन्होंने मैं बुलाने तो बाद उन्होंने तो लोन अकाउंट नंबर मंगया गया। लोन अकाउंट नंबर जो मैं पेटीएम से पा के चेक किया तो इन्हों का सिर्फ और सिर्फ बकाया 18,500 रुपये बनता सी। तो मैं उन्होंने कहा भी तुम 23,000 किस भी हफ्ते मंग रहे हो जो यदा ओवर ड्यू अमाउंट जो टोटल है 18,000 रुपये बनता है फिर 23,000 रुपया किस गलों मंगते पे हो तुम। उन्होंने फिर अपने सीनियर ने गल की गल कर तो बाद उन्होंने 18,500 रुपये के एग्री कर लिया भी हाँ 18,500 रुपया तुम दे दौ असी मोटरसाइकिल दे दें। इन्हों पिता जी ने मैं 20,000 रुपया 2 गड्डिया 10,000 वाली फड़ाइया 20,000 के 1,000 रुपये तो इन्होंने मैं पुट्ठा मोड़ता 18,500 रुपया उन्होंने मैं अलग कैश गिन के दिता अपने हाथ नाल और 500 रुपये मैं वैसे इनाम देता भी चलो इन्हों का बार दी बार जान छुट गई इन्हों जे धक्के नहीं खाने पे जब 10 दिन इन्हों का मोटरसाइकिल ना मिलता इन्हों का काम खराब हो जाना सीगा। हुण इस भाई का मोटरसाइकिल पैसे भरन के बावजूद भी चक्या गया दसो इसका की कसूर है इसकी मजबूरी सी इहदे पैसे नहीं भरे हुण असीं ये पैसे भरन लई तैयार हैं पर वह जिहड़े कंपनी वाले ने इहनूं लोन अकाउंट नंबर नहीं दे रहे। हुण दसो ये मजदूर आप मेरे सामने अज 17-18 दिन हो गए है बेचारा वेला बैठा काम ते नहीं जा पाया क्योंकि फिरोजाबाद पिंड तो राणिया काम ते आउण लई 5-6 किलोमीटर का सफर तय करना पैंदा ते उत्थे कोई बस तो जांदी नहीं अपने साधन का इंतजाम करना पैंदा गा। ते साथीओ रिकवरी एजेंट जिहड़े है ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं लेंदे कोई ये पुलिस की मदद नहीं लेंदे सीधा जाते हैं बाइक चकते हैं जां होर भी कोई चीज़ है उन्हूं चक के आपदे अंडर ले लेंगे ने इन्हों के आई डी कार्ड देखो इन्हों तो बैंक का लैटर तो घट्ट तो घट्ट मंगो तुम भी भाई जो होर कोई रूल नवा बनेगा वो बारे नहीं पता सानू तो घट्ट तो घट्ट बैंक तक एक चिट्ठी इन्हों जारी करता ना भी तुम आ मोटरसाइकिल चक लो नहीं तो एवं तो कोई भी मोटरसाइकिल चकन लग जाएगा। हूँ जे पुलिस का काम गुंडे करे तो फिर पुलिस की सानू की जरूरत है जे बाइक इन्हों की रिकवर करनी भी सी कोई दिक्कत नहीं सी इन्हों की गलती सी किसी किस्म की तो पुलिस को एक शिकायत दी जा सकती सी पुलिस के पुलिस इन्हों आपे मोटरसाइकिल लैके बुलाई मोटरसाइकिल लिया के ठाने खड़ा कर लें पुलिस की जरूरत भी नहीं समझी इन्होंने सीधा जाते हैं गड्डी चकते हैं और यू मैं तो एक गुंडागर्दी ही कह सकता इस तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो साथियों तुहानू भी सावधान होने की लोड़ है क्यों क्योंकि इस तरह जो मतलब किसी ने पैसे लेने सीधा जाके मोटरसाइकिल चक्कन का अधिकार सरकार साड़िया ने देता उन्होंने तो फिर तो बहुत बुरा हाल होने वाला है फिर तो कोई भी जाएगा जिन्हें पैसे लेने मोटरसाइकिल चक लेगा हुण इहदा कोई 18-20 हज़ार रुपया बकाया हो सकता 15,000 बकाया हो सकता तो इहदा 85,000 का मोटरसाइकिल किवें रख सकता कोई। इस वीर ने पैसे भर रहे हुए ने मैं खुद अपने हत्थां नाल 1 साल पहला उन्होंने पैसे दिते हुण वह खा गए रास्ते वाले एजेंट तो उहदे च कसूर इहदा थोड़ी है क्योंकि मौके पर जो पेमेंट कोई बंदा भरूगा किसी का भी मोटरसाइकिल रोकया जाऊगा जिहड़ा बंदा मौके पर रोक रहा उन्हें पैसे देगा ना जे कोई देगा तो होर बंदे तो किनू देगा। हुण जे कंपनी वाले ने जिहड़े मतलब गुंडा टाइप बंदे रखे हुए ने वह धक्का करते हैं आके किसी नाल जां पैसे उन्होंने खा जाते हैं तो उहदे लई उह कंपनी जिम्मेवार है ना जां उह बैंक जिम्मेवार है ना जिन्होंने इन्हों चकन लिए भेजा है उन्होंने क्यों इस तरह के बंद चकन लिए भेजा जिन्हें किसी के पैसे खा जाते हैं क्यों नहीं कंपनी जमा कराते तो कंपनी उन्होंने खिलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेंदी क्यों नहीं कार्रवाई करती। तो साथियों बड़ा सोचने वाला विचारन वाला मुद्दा है
मैं थोड़े अगर हाथ च बन के बेनती करदा इन्हां वीरां दी मदद करन लई प्लीज़ वीडियो नूं वध तों वध शेयर करियो ते तुहाडी इस वीडियो दे बारे जां इन्हां दे मामले दे बारे की प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर दस्सियो। अगर तुसीं सानूं फेसबुक ते देख रहे हो ते साडे पेज नूं फॉलो करियो, अगर तुसीं सानूं यूट्यूब ते देख रहे हो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो, वीडियो नूं वध तों वध शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।